मेर करो त्रिन ते मोहे जाहे गरीब निवाज न दूसर तो सो पुल छिमो हमरी प्रभ आपन पुलन हार कहाँ को मोसो सेव करी तुम रहतिन के सब ही ग्रह देखियत द्रब परोसो या कल मैं सब काल कृपान के भारी पुजान का भारी परोसो नह समर्थं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तम तव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं जुगो जुग अटल चवर छत्र तखत दे मालक राजान राज पहानान पहान देवान देव उपमा महान कोट ब्रह्मंडा दे मालक जागदी जोत जाहर जहूर हाजर हजूर सर्वकला भरपूर जगत गुरु तन तन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी साजने वाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जियो तही प्रकाश हमारा भयो पटना शहर बिखै पहव लयो हम एह काज जगत मो आए धर्म हेत गुरदेव पठाए जहाँ तहाँ तुम धर्म बिथारो दुष्ट दोखियन पकर पछारो याही काज तरा हम जनमंग समझ ले हो साधु सब मनमंग धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सभन कौ मूल उबाड़न तन तन कल गिधर पिता बाला प्रीतम अमृत के दाते सरबंसदानी कादरे हरकार गुरु गोबिंद सिंह बेकसारा यार गुरु गोबिंद सिंह रूह दर हर जिसम गुरु गोबिंद सिंह नूर दर हर चश्म गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे पावन पवित्र मुकद्दस प्रकाश अस्थान तखत श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब दी पावन धरती ते गुरुद्वारा बाल लीला मैणी संगत विखे महापुरख श्रीमान संत बाबा गुरविंदर सिंह जी दी आज्ञा नु पा करके इस पावन स्थान ते कुछ रोज तो बाणी भाए गुरदास जी की कवित सवैया दी विचार प्रारंभ है। आप जी लड़ीवार इस गुरबाणी दी विचार नू सरवण करके अपना जीवन सफलियां कर रहे हो। सो आओ जो अगला प्रसंग है अगला कवित है उस दी विचार आरंभ करिए। विचार आरंभ करन तो पहला पावन दरबार दियां हाजरियां लवाइए गज वज के आखिए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरदास जी आखते ने शब्द सुरत आपा खोए गुरदास होए सर्ब मैं पूर्ण ब्रह्म कर मानी है। भाई गुरदास जी आखते ने गुरमुख आपा खो करके अपने ईगो नू अपने हंकार नू नाश करके निर्विरत करके शब्द सुरती दा मिलाप अपने हिरदे विच करके गुरदास होए गुरु दे दास गुरु दे सेवक बनदे ने।
क्योंकि जिन्ना चिर शब्द दे नाल मन दी बिरती लगदी नहीं, जिन्ना चिर मन शब्द नूं फड़दा नहीं, जिवें सतगुरु गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी ने बचन कीता है, मन लोचै बुरी आईआं गुर सबदी इहो मन होड़ीऐ, बाहें जिन्हां दी पकड़ीऐ सिर दीजै बाहें ना छोड़ीऐ। गुर तेग बहादुर बोलिया धर पईऐ धर्म ना छोड़ीऐ। कहिंदे मन लोचै बुरी आईआं, मन विच हमेशा बुरे ख्याल बुरियां चितवनियां चलदियां रहिंदियां हन। मन लोचै बुरियां आईआं गुर सबदी इहो मन होड़ी है। गुरु दे शब्द दे नाल इस ना पकड़े जाण वाले मन नूं पकड़ करके कंट्रोल विच काबू कर लईए। मन लोचै बुरी आईआं गुर सबदी इहो मन होड़ी है। बाहें जिन्हां दी पकड़ी है सिर दीजै बाहें ना छोड़ी है। कहिंदे जिहदी इक वारी बाँह फड़ लो अखीर तक मरे पर्यंत उहदी बाँह ना छड़ना करो। गुरु तेग बहादुर बोलिया धर पई है धर्म ना छोड़ी है। सतगुरु तेग बहादुर जी महाराज जी आखदे ने कहिंदे धर पई है धर्म ना छोड़ी है। कहिंदे भावें धरती ते डिग जाइए पर अपना धर्म जिहड़ा है उस नूं छड़ना ना करिए, अपने धर्म नूं त्यागना ना करिए। कृष्ण वी गीता दे विच आखदे ने स्वै धर्मो निधनं श्रेयः पर धर्मो भयावह, भाव अपने धर्म दे विच रहना ये हमेशा कल्याणकारी हुंदा है, पराए धर्म दे विच जाना ये हमेशा ही दुखां दा कारण है, डर दा कारण है, मौत दा कारण है। ते अपना धर्म की है, स्वै धर्म की है, स्वै धर्म है मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। हे मना तू सकाल पुरख वाहिगुरु की जोत है, उस परमात्मा का अक्ष है, परमात्मा का रूप है। तू अपने रूप न अपने स्वरूप न पछाण लै कर। इस तरह जिहड़ा आपा खो करके हंकार नू मार के शब्द सुरत दा मेल करके गुरु दा दास गुरु दे सेवक बनदे ने गुरमुख प्यारे। सर्ब मैं पूर्ण ब्रह्म कर मानिया, वो फिर सारिया दे विच सर्ब मैं सारिया दे विच वो जो ब्रह्म परिपूर्ण व्यापक हो रहा है उसनू मनदे ने, भाव के सारियां दे विच अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत नूं वेख लैंदे ने। सुनना होर गल है, मनना होर गल है, दिस पैना प्रतख रूप दे विच होर गल है। सुन लिया कि सारियां दे विच वाहिगुरु है पर मनना औखा। एक दो चेले जिहड़े ने एक गुरु कोल गए, गुरुकुल जा करके आखदे ने कि गुरु महाराज सानू अपना चेला बना लो। ते गुरु महाराज आखदे ने कहिंदे चेला असीं बना लवांगे, पहलां तुहानू दोहां नू परख लईए। कहिंदे ठीक है जी। दोवें चेलियां नू गुरु ने एक एक कबूतर हथ विच फड़ा दिता। कबूतर फड़ा करके आखदे ने कहिंदे ने इस कबूतर की धौण मरोड़नी है,
ते उत्थे मरोड़ी नहीं है जिथे तुहानू कोई वेखदा ना होवे। कहने सत बचन जी एक जड़ा बहुत चुस्त चलाक सी, बहुत अपने आप नू सियाणा मनदा सी, ए गया छेती दे नाल झाड़ी झाड़ियां दे ओले हो करके कबूतर दी धौण मरोड़ करके छेती नाल आ गया। कहिंदे लो गुरु महाराज मैं तुहाडा बचन मन लिया। गुरु महाराज आखदे ने कहिंदे ठीक है थोड़ा ठहर जा काला ना पै, दूजे नू आ लैण दे। दूजा कबूतर लै करके गया जिथे संघणियां झाड़ियां सन, उत्थे जा करके कबूतर दी धौण मरोड़न लगा ते वेखदा की है कि सारे पासे जिहड़े जीव जंतु ने पशु पक्षी ने मैनू वेख रहे ने। ये सोच करके होर संघने जंगल दे विच अंदर गया। जदों संघने जंगल विच गया ते की वेखदा है कि यह कबूतर जिहड़ा है मैनू वेख रहा है। तो कबूतर दे अखां ते पट्टी बन दित्ती ते जदों धौण मरोड़न लगा फिर मन च विचार आई, कहिंदे मैं इहनू वेख रहा हाँ। तो गुरु जी ने कहा उत्थे कबूतर नू मारना जिथे कोई वेखे ना। तो इस तरह उस चेले ने अपने अखां ते भी पट्टी बन ली। जदों लगा धौण मरोड़न ते अंदरों आवाज़ आई कि वह वाहिगुरु वेखदा है, जो सारियां दे विच व्यापक है वह परमेशर वेख रहा है। उदों फिर अपने अखां तों पट्टी खोल के कबूतर दे अख तों पट्टी ला के छेती नाल गुरु कोल आया ते आखदा है गुरु महाराज तुसी कहा सी कि कबूतर नू उत्थे मारना जिथे कोई वेखदा ना होवे, आ काम बड़ा औखा जे मैथों होना नहीं, क्योंकि जदों मैं इनू झाड़ियां वल लै के गया ते जीव जंतु पशु पक्षी वह वेख रहे सन, जदों होर संघने जंगल विच लै करके गया ते ये मेरे वल वेख रहा सी ते मैं भी इनू वेख रहा सी। जदों असी मैं अपने अखां ते पट्टी बन लई, कबूतर दे अख ते पट्टी बन दित्ती ते जदों इहदी धौण मरोड़न लगा मेरे मन च विचार आई कि वह वाहिगुरु परमेशर सारियां नू वेख रहा है। इस करके परमात्मा हर थां ते मौजूद है। ते गुरु महाराज मैं माफ़ी चाहुंना कि कबूतर नू मैं मार नहीं सकिया। ते गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होए खुश होए, जिने साध संगत जी कबूतर दी धौण मरोड़ दित्ती, ना अग्गा विचारिया ना पिछा विचारिया ना किसी गल दा चिंतन कीता। उनू कहा भी तू गुरु धारण करन दे योग नहीं, जा के गुरुद्वारे जा के भांडे मांझ सेवा कर, हले तेरी उम्र नहीं है ना ही तेनू समझ है कि तू गुरु धारण कर सके। ते जिन्हें सात संगत जी कबूतर नू ना मारिया उन्हू गुरु ने अपना चेला बना करके मंत्र दे करके सिख्यावां दे दित्तियां। इस तरह वह अकाल पुरख वाहिगुरु जतर जाओ तत बीठल पहला, जिथे जाइए उत्थे ही परमेशर हर थां ते मौजूद है। ऐवें तां नहीं ना भगत नामदेव जी ने सतसंगत जी प्रशादा छक रहे सन ते कुत्ता आ करके थाल विच्चों प्रशादा चुक के लै गया, घ्यो दा छन्ना लै करके भगत नामदेव जी मगर मगर दौड़दे ने ते आखदे ने भी रब्बा अण चोपड़िया प्रशादा तां मैं भी नहीं छकदा, लिया तेरा प्रशादा चोपड़ दवां। ते इस तरह ऐवें तनी ना कमलियां वांग कोई कुत्ते दे मगर दौड़दा है। उस कुत्ते दे विच कुछ दिसिया होवेगा ताही तां भगत नामदेव जी छन्ना लै करके मगर मगर दौड़े ने। इस तरह गुरमुख जेड़े ने सर्वमय पूरन ब्रह्म कर मानी है,
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਉਂ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਭਾਈ ਘਨੱਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੌਣ ਮੁਗਲ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਗਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਘਨੱਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਮਲਮ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬਮੈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਸ਼ਟ ਅਗਨ ਮਾਲਾ ਸੂਤਰ ਗੋਰਸ ਗੋਬੰਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ? ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਦਿਸਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਮੱਖਣ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਮੱਖਣ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਟਰ ਇਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਆਏ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ 100 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਤਾਲ ਆ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ ਆਗਾਸ। ਉਦੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਰਦਬੀਨ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸੋ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਵਣ ਸੇ ਵੇਲਾ ਵਖਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰ, ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ ਕਵਣ, ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰ, ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਵਖਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆ, ਜੇ ਲਿਖਣ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ, ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੋ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਾ ਕਰਤਾ ਸਿਰਠੇ ਕੋ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਜਿਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਜੀ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਥਿੱਤ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
सतगुरु महाराज जी आखते ने पाताला पाताल लख आगास आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक बात सहस अठार है गहन कतेबा असलु एक तहात लेखा होए तो लिखिया लेखा होए विनाश जिन्ना चिर लिखण जाइए कि इन्ने लख ग्रह ने इन्ने लख ब्रह्मंड ने उन्ने चिर च हजारा ही ब्रह्मंड खत्म हो जाते ने ते हजारा ही ब्रह्मंड होर नवे पैदा हो जाते ने किने लेखा होए विनाश लिखण लग्या फिर कई धरतियां खत्म हो जांदियां ने किने की लिखना करिए वार वार गिनती करद्यां करद्यां ही सत संगत जी समा ते उमर बतीत हो जाएगी पर ओ परमात्मा दी कुदरत गुणती मिणती तो परे है इस करके अकाल पुरख वाहिगुरु भाई सारियां दे विच ओ व्यापक है जिमें लक्कड़ दे विच अग्नि व्यापक है जिमें दुध दे विच मक्खण व्यापक है तिवें ओ परमात्मा सारियां दे विच व्यापक है माला सूतर गो रस गो बंस कहिंदे जिवें माला 108 मणकियां दी माला हुंदी है ते सात संगत जी सारे मणके जिहड़े ने उन्हां दा संबंध इको सूत दे नाल हुंदा है एक सूत करके ही सारे मणके जिहड़े ने आपस विच मिले रहिंदे ने सूत एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई जिवें माला विच सूत सारियां दे विच व्यापक है सारियां दे विच परोया होया है इसी तरह ओ परमात्मा सारियां दे विच व्यापक है सारियां दे विच विद्यमान हो रहा है सारियां दे विच गुप्त प्रगट रूप हो करके विराज रहा है गो रस गो बंस गो रस आखदे ने सत संगत जी कहिंदे गौआं दा रंग आपस दे विच मिलदा नहीं जिहड़े गौआं दीआं वंशां हुंदियां हन ओह आपस च नहीं मिलदियां वक्खो वक्खरियां परिवारां विचों गौआं हुंदियां हन गावां ते मझां पर सारियां दा दुध जिहड़ा है ओह इक्को रंग दा चिट्टे रंग दा हुंदा है ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰੰਗ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੁੱਲ ਭਾਵੇਂ ਵੰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ पर दुध का रंग सारिया गावां दा मज्जां दा इको ही हुंदा है इसी तरह जिमें दुध का रंग सारिया दा चिट्टा ही हुंदा है इसी तरह भावें इंसान दियां वक्खो वक्खरियां जातियां ने वक्खो वक्खरे धर्म मजहब पंथ ने वक्खो वक्खरे गोत्र ने पर सारिया दे विच ओ अकाल पुरख वाहिगुरु की जोत इको रूप विच व्यापक हो रही है एक आओ अनेक को विवेक पहचानी है कहने एक आओ अनेक एक तो सात संगत जी ओ परमात्मा अनेक रूप हो करके व्यापक हो रहा है विवेक पहचानी है ये ज्ञान जेड़ा है गुरमुखा ने जान लिया है पछाण लिया है कि परमात्मा एक रूप हो करके अनेकता दे विच व्यापक हो रहा है अनेक हैं फिर एक हैं अनेक रूप विच एक परमात्मा सारियां नू प्रकाशित कर रहा है सारियां दे विच विद्यमान है ये गुरमुखा ने ज्ञान जेड़ा है पछाण लिया है लोचन श्रवण मुख नासका अनेक सोत्र देखे सुने बोले मन मैक और आनी है लोचन कहिंदे ने सात संगत जी नेत्रां नू जिन्हां दे नाल आपां संसार नू वेखदे हां श्रवण कहिंदे ने कन्नां नूं जिहदे नाल आपां सारियां शब्दां नूं बोलां नूं सुणदे आं मुख कहिंदे ने मुख नूं जिहदे च 32 दंद ने ते इक जबान है जिहदे नाल आपां भोजन करदे आं ते बोलण दा कम करदे आं रस लैण दा स्वाद लैण दा कम करदे आं नासका कहिंदे ने नक नूं
नक राही सुगंधी दुर्गंधी का पता करते हैं, नक राही आपां साह लैने आ। अनेक सोत्र ये सारे इंद्रियां जिहड़ियां ने अखां नक कन मुख चमड़ी आदिक पंज कर्म इंद्रे पंज ज्ञान इंद्रे सारियां दे विच सतसंगत जी इंद्रियां वखो वखरियां ने पर सारियां दे विच जो अंतशकरण काम कर रहा है वो इक्को ही है। अखां बंद ने पर फिर भी मन सुपना वेखदा है। किन्ना निगाहां दे नाल बंदा सुपना वेखदा है जदकि सुते पए बंदे दियां अखां बंद होंदियां हन। किस निगाह दे नाल उह सुपना वेख रहा हुंदा है, उह अखां कित्थे लगियां होईयां ने, उह अखां जिहड़ियां ने परमात्मा ने कित्थे फिट कीतियां हन, जिन्हां अखां दे नाल मन सुपना वेखदा है। अखां बंद करके भी संसार नूं वेखदा रहिंदा है, वह अखां कित्थे लगियां ने। कन जिहड़े ने उह साध संगत जी बाहरों शब्द नूं सुणदे ने, पर जे मन जिहड़ा है कन्नां दे विच मौजूद ना होवे ते साध संगत जी आपां कहिंदे आ वी मेरा ध्यान नहीं सी, दस हां भाई तूं बोलिया कि मैं सुणिया नहीं, ध्यान नहीं सी मेरा। इहदा मतबल जे कोई सुनना होवे तां ध्यान चाहीदा है, वेखना होवे ते ध्यान चाहीदा है, सूंघना होवे तां ध्यान चाहीदा है, जो बोलना होवे तां सत्संग जी ध्यान चाहीदा है। जे ध्यान ना होवे ते आपां कहिंदे तूं की बुड़बुड़ लाई हुई है, तेरे बोलण विच कोई तथ ही नहीं है। इस तरह सत्संग जी जे ध्यान ना होवे, मन दा हस्तक्षेप ना होवे, मन विच ना होवे, ते इंद्रियां जिहड़ियां ने सथल हन, इंद्रियां कमज़ोर ने। अखां विच जे मन ना होवे ते सतसंगत जी बंदे दा मन किते होर होवे, कोई होर गल्लां सोच रहा होवे, ते भावें अखां दे सामने कोई लंघ के चलिया जावे ते आपां आखदे हां वी उही बंदा जे दुबारा आके मिले, यार मैं तेरे अग्गों दी लंघ गया, तू मेरे वल वेख्या नहीं है, तू फतेह भी नहीं बुलाई है, ते आपां आखदे हां यार माफ़ करी मेरा ध्यान नहीं सी। इहदा मतबल अखां दे नाल वेख्या है सृष्टि नूं, पर जे मन दा ध्यान अखां विच ना होवे ते भावें अखां दे सामने गाड़ियों सारे काम हुंदे होण तां वी अखां जिहड़ियां ने उह काम नहीं करदियां जे अखां विच ध्यान ना होवे। कन्नां दे राहीं सतसंगत जी जिन्ने मर्जी कोई कन्नां दे लागे शब्द बोलदे जाण, पर जे मन ना होवे सुणन विच ते फिर कन्न सिथिल हन, कन्न कमज़ोर ने। इसे तरह ही इंद्रियां जिहड़ियां ने, इन्हां सारियां इंद्रियां दे विच मन व्यापक है। मन किते अखां विच आ करके संसार नूं वेखदा है, मन कन्नां राहीं शब्द नूं सुणदा है, मन नक राहीं सूंघदा है, मन जबान राहीं स्वाद लैंदा है, रस लैंदा है इंद्रियां दा, मन जबान राहीं बोलण दा काम करदा है, मन चमड़ी राहीं स्पर्श दा स्वाद लैंदा है। इसे तरह ही मन सारियां इंद्रियां दे विच घूमदा रहिंदा है, व्यापक है, विद्यमान है। इस तरह ही वह अकाल पुरख वाहिगुरु सारियां दे विच विद्यमान है, सारियां दे विच व्यापक है। ये बहुत सोहने दृष्टांत जिहड़े ने भाई साहब भाई गुरदास जी दस रहे ने। देखै सुनै बोलै मन मैक और आनी है, अखां नाल वेखदा है, कन्नां दे नाल सुणदा है, जबान नाल बोलदा है, ते ये मन सारे कारज करदा है। ते जे मन ना होवे ते ना वेख सकदा, ना सुन सकदा है, ते ना ही बोल सकदा है। इस तरह हिरदे विच अनुभव हुंदा है कि मन सारियां इंद्रियां दे विच व्यापक है। अगे भाई गुरदास जी कथन करदे ने, गुर सिख संद मिले सोहंग सोही ओत पोत, ज्योति ज्योत मिलत ज्योति स्वरूप जानी है। गुरसिख
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਸੋ ਹੰਗ ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ, ਸੋ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਹਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਮ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਹਮ ਸੋ ਹਮ ਸੋ ਹਮ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਓਤ ਪੋਤ ਜਿਵੇਂ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵੱਤ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਤ ਅਤੇ ਰੂੰ ਅਤੇ ਸੂਤ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬਸਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਿਅਮਾਨ ਹੈ। ਰੂੰ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਤ ਬਣਿਆ, ਸੂਤ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸਤਰ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ 25 ਪ੍ਰਕਿਰਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਤ ਪੋਤ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਅਸਥੂਲ ਤੋਂ ਅਸਥੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲਤ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਜਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮ ਜੋਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਜੋਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਭੇਦਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਮਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਤਮਾ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮ ਪਰਾਤਮ ਏਕੋ ਕਰੈ, ਅੰਤਰ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਅੰਤਰ ਮਰੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਦੁਬਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦੁਵੈਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਡਾ ਮੈਂ ਮਿਠਾਸ ਤਾਸ ਛਿਲਕਾ ਨ ਲਿਓ ਜਾਏ, ਦਾਰਮ ਔ ਦਾਖ ਵਿਖੇ ਬੀਜ ਗਹਿ ਡਾਰੀਐ। ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਤਾਸ ਛਿਲਕਾ ਨਾ ਲਿਓ ਜਾਏ, ਪਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਲਾਹ ਕਰਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮਿਠਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਇਨਪੁੱਟ ਉਸਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦਾਰਮ ਔ ਦਾਖ ਵਿਖੇ ਬੀਜ ਗਹਿ ਡਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨਾਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੌਗੀ ਵਿੱਚ, ਬਿਜੌਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸਾਧਸੰਗਤ ਜੀ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਸੌਗੀ ਆਦਿਕ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਿਲਕੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਰ ਅਤੇ ਦਾਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਬ ਖਿਰਨੀ ਸ਼ਹਾਰਾ ਮਾਝ ਗੁਠਲੀ ਕਠੋਰ, ਖਰਬੂਜਾ ਔ ਕਲੀ ਦਾ ਸਜਲ ਬਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਗਿਟਕ ਦੇ ਤਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਬ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹਨ। ਛੁਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਛੁਹਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਰਬੂਜਾ ਅਤੇ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਤਰਬੂਜ਼, ਇਹ ਦੋ ਫਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਧਸੰਗ ਜੀ ਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੇ ਜਲ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤਰਬੂਜ਼ ਅਤੇ ਖਰਬੂਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਣ ਯੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
जे खरबूजा पानी छड़ दवे, जे तरबूज पानी छड़ दवे, ते समझ लो कि वह सत्संग जी खराब हो चुकिया है, उसनों परे सुट दिता जाता है। मद माखी में मलीन समय पाए सफल होए, रस बस पहे नहीं तृष्णा निवारी है। मद माखी सत्संगत जी शहद की मक्खी जिहड़ी है बहुत मशक्कत करके शहद नूं कठियां करदी है, पर जदों शहद का छत्ता जिहड़ा है उहदे विच जदों जिहड़ा सत्संगत जी शहद हुंदा है वह मलीन हुंदा है, उहनूं कढ के फिर साफ करके फिर सत्संग जिसनों ग्रहण करते ने जो शहद खाण के शौकीन हैं। भाई गुरदास जी आखते नरस बस भय नहीं तृष्णा निवारी है। शहद खाण वाले बंदे शहद खाण के इन्ने को शौकीन होंगे ने कि उन्हों सत्संग जी त्याग नहीं सकते, उहदी तृष्णा दे विच लग जाते ने। अगे भाई गुरदास जी आखते ने श्री गुरु शब्द रस अमृत निधान पान, गुर सिख साध संग जन्म सवारी है। सुभाए मान सतगुरां दे शब्द दा रस जो अमृत दे समान है, सारियां दा खजाना रूप है, परम अमृत दे समान है, परम आनंद दे समान है, उसनों गुरसिख जेड़े ने ओ पी करके सत्संग जी गुरसिख साध संग जन्म सवारी है। गुरु घर विच आण करके सत्संग जी सेवा सिमरन करन रूप अंब दा ते सत्संग जी गन्ने दा जिवें रस हुंदा है, जिवें सत्संग जी शहद दे विच शहद खाण दे शौकीन बंदे जेड़े ने वो शहद खाण विच शहद दे छत्ते विचों शहद इकट्ठा करदे ने, फिर निर्मल करके उसनों पीते ने छकते ने, इवें ही अंब दे सत्संगत जी गिटक कढ़ के फिर अंब नूं खांदे ने, इस तरह ही सत्संग जी चूपते ने, फिर दाखां विचों छुहारे विचों खजूर विचों बीज नूं कढ़ करके फिर उहदा ग्रहण करदे ने गुरमुख प्यारे। इस तरह ही गुरसिख जिहड़े ने वह गुरु घर आण करके अपने औगुणा का त्याग करते ने, अपने हंकार रूप विच जो बीज रूप होया साडे मना विच उस हंकार दे बीज नूं त्याग करके फिर सत्संग जी ज्योति जोत रली संपूर्ण थी आराम। अपनी जोत प्रतक जोत जिहड़ी है वह परमात्मा की महा जोत दे विच मिला करके एकमिकता का आनंद भोगते ने, एकमिकता का रस माणते हैं। गुरसिख साध संग जन्म सवारी है। गुरसिख साध संगत विच बैठ करके अपना जन्म सवार लेंदे हैं। इस तरह साध संगत जी गुरमुख जेड़े ने अपने औगुणा का त्याग करके महारस बाणी का संगत का माण करके अपना जन्म सवार लेंदे हैं। भाई साहब भाई गुरदास जी अगे आखते ने कहते ने सलल मैं धरन धरन मैं सलल जैसे कूप अनरूप के बिमल जल छाए है। कहते ने जिमें सलल कहते ने सत्संग जी जल नू, ते धरन कहते ने धरती नू, जिहड़ी साडी धरती है आप सारे ही जानते हो कि 70% पानी है, बाकी 30% सत्संग जी धरती है, जिवें विद्वाना ने कथन किया है। तो जिन्ना समुद्र का जल है ये सारा समुद्र जिहड़ा है ये करीब करीब 70% है, तो उहदे उत्ते 30% जिहड़ी धरती है वह तैर रही है, वह डुबदी नहीं। डुबदी इस वास्ते नहीं क्योंकि अकाल पुरख वाहिगुरु के हुक्म विच है, बिन थम्मा गगन रहाया। ये जिहड़ा आकाश है ये भी सत्संग जी बगैर थमलियां तो बगैर किसी पिलर तो परमेशर ने अपने हुक्म विच अपने पहदे विच अपने
डर दे विच आकाश नूं टिका के रख्या होया है। इस तरह ही सात संगत जी भाई गुरदास जी आखदे ने सलल मैं धरन, धरन मैं सलल जैसे, जिवें 70% समुंदर दे विच धरती जिहड़ी उह तैर रही है, ते जे खूह पुटीए ते खूह पुटीए ते सात संगत जी जे धरती नूं पुटना करिए ते फिर विचों जल पैदा हुंदा है। जल दे विच धरती है ते धरती दे विच जल प्रगट हुंदा है। आपस विच एकमिकता है, एक सारता है, जिवें सात संगत जी पावन बाणी दा फरमान है, साचे ते पवना भया, पवने ते जल होए, जल ते तेरे पवन साजिया, घट घट जोत समोए। कहिंदे उस परमेश्वर ने हवा पैदा कीती, हवा तो पानी पैदा होया, पानी तो धरती पैदा होई, धरती तो सारी सृष्टि पैदा हुई है। इस तरह सारे संसार की उत्पत्ति हुई है। पानी दे विच धरती है, धरती नूं पटीए ते पानी प्रगट हुंदा है। कूप अनरूप के बिमल जल छाए है। जद धरती नूं पटीए, खूह पुटीए ते सात संगत जी बहुत निर्मल जल जेड़ा है, खूह विच्चों जल प्रगट हुंदा है। उसी तरह ही ताही जल माटी कै बनाई, घट का अनेक एक जल घट 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 का समाए है। बहुत कमाल का दृष्टांत देंदे ने। कहिंदे ने उसी जल तो फिर सात संगत जी खूह के जल तो कुम्हार जेड़ा है, जेड़ा घड़े बनाउंदा है ना, वो सासन चीकनी मिट्टी जेड़ी है वो लै करके खूह का जल फिर सत्संग जी मिट्टी विच मिलाउंदा है। इस तरह जल दा ते मिट्टी दा मिलाप हो करके फिर सत्संग जी कुम्हार जिहड़ा है वो चिकनी मिट्टी नूं पानी विच चंगी तरह गूंद के फिर सत्संग जी उहदे राही सोहणे सोहणे घड़े जिहड़े ने वो घड़दा है। जदों सोहणे घड़ियां नूं घड़ करके फिर सत्संग जी पट्ठी विच उहनूं तपा के ता करके पक्कियां करके फिर उसे घड़े दे विच फिर सत्संग जी सारी उम्र पानी जिहड़ा है वह फिर घड़े दे विच फिर मिट्टी विच पानी आ जाता है। समुंदर दे विच धरती है, धरती नूं खूह पुटीए ते फिर पानी निकलता है, उसे पानी नूं फिर मिट्टी च मिलाइए ते घड़ा बनता है, घड़े दे विच फिर सत्संग जी फिर पानी टिकदा है। इस तरह आपस दे विच इह एक दूसरे दे पूरक ने। जदों ब्रह्म फुरना करता है कि एको हम बहुस्यामं, एक तो मैं अनेक होवां, उदों सत्संग जी माया प्रगट हुंदी है। जदों माया प्रगट होई ते एका माई जुगत व्याई, तिन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, जिव तिस भावै तिवै चलावै, जिव होवै फरमान, ओह वेखै उहना नदर न आवै, बहुता एहो विडान। उस माया तो त्रिगुणात्मक तीन शक्तियां पैदा होंदियां हन, जो पालना पोषणा ते सत्संग जी लैता करन दा कम करदी है, जिस नूं साडे देश दे विद्वानां ने ब्रह्मा विष्णु महेश भी आख्या है। इनू रजोगुण तमोगुण सतोगुण भी आखते ने। तो सत्संग जी ये परमात्मा दे माया तो तीन शक्तियां पैदा हुई ने। इन्हां तिना शक्तियां तो फिर सत्संग जी सारे जीव जेड़े ने वह पैदा हुए ने। इन्हां सारे जीवां दे विच ओ जोत रूप परमात्मा फिर सत्संग जी प्रगट है। जिमें बहुत सारे समुद्र के जल विच 30% धरती वो तैर रही है, धरती विच खूह पुटीए तो फिर जल प्रगट हुंदा है, उसे जल राही मिट्टी विच मिला करके घड़ा बनाइए ते घड़े नूं सात संगत जी जदों टिकाइए ते घड़े विच फिर जल जेड़ा है वो प्रगट रूप हो करके घड़े दे विच टिकदा है। इसी तरह यह सृष्टि की उत्पत्ति का सारा कारज जेड़ा है अकाल पुरख वाहिगुरु ने बनाया है।
जाही जाही घटका मैं दृष्टि के देखियत पेखियत अपना आप आन न दिखाए है। किने जेड़े जेड़े घड़े दे विच मूँह वेखिए न जेड़ा घड़ा जल दे नाल भरिया होवे दृष्टि मारीए निगाह मारीए ते अपना रूप ही दिसदा है। अपनी परछाई ही जल दे घड़े विचों घड़े दे जल दे विच सतसंग जी प्रतख हो करके सनमुख दिखाई देंदी है। पेखियत आपा आप आन न दिखाए है। अपना मूँह वेखिए ते अपना ही मूँह दिसदा है, किसी होर दूसरे बंदे दा मूँह नहीं दिसदा। इस तरह सतसंग जी जदों अखां बंद कर लईए ते आप ही अपना रूप जो परम परमेश्वर है उहदे दर्शन दीदार जिहड़े ने अपने अंदर ही साक्षात्कार हो जाते हैं। अगे भाई गुरदास जी आखते ने पूरन ब्रह्म गुर एक अंकार के आकार ब्रह्म विवेक एक टेक ठहराए हैं। कहिंदे इस तरह वो ब्रह्म परमेश्वर पूरन है, सारिआं दे विच व्यापक है। गुर गुरु दे विच भी गुरु का भी सत्संग जी ब्रह्म विच ते गुरु विच भी कोई फर्क नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। किंदे गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिवा है, ते की कहिए गुरु ही साक्षात प्रतख ही अकाल पुरख वाहिगुरु दा रूप है। इस करके मानस का कर रूप न जान मिली निमाण मान। गुरु नू परमेश्वर करके जान लेना करिए, परमेश्वर करके गुरु नू जानांगे ते फिर सतसंग जी साड़ी कल्याण होवेगी। पूरन ब्रह्म गुर एकंकार के आकार, उस गुरु परमेश्वर दे आकार तो ही सारा आकार जेड़ा है वो बनया है। ये कोई सधारण गल नहीं है कि भैन बेबे नानकी आखदी है कि भाई जी किन जिथे किते भी तुसी होवो जदों तुहाड़ी याद होवे उदों तुसी मेरे ताई प्रगट होना है। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने वचन किया, भैन जी जदों तुसी मैनू याद करोगे उसे वेले मैं तुहाडे सामने प्रगट हो जावांगा। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भावें महाराज बगदाद विच होण, भावें अहमदाबाद विच होण, भावें काशी मथुरा विच होण, जदों भैन नानकी ने याद किया गुरु नानक देव जी प्रतख ही भैन बेबे नानकी दे सन्मुख आ गए। ये क्यों होया? क्योंकि गुरु नानक निरंकार है। वह सतसंग जी किते भी कोई भी आकार धार सकते ने। जदों सिद्धां दे नाल गोष्ट होई सिद्धां ने गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं कहा, कहदे आपां इक खेड खेडीए। कहिंदे चलो जी। सिद्धां ने अपनी शक्ति विखाउण वास्ते शक्ति विखा करके प्रभावित करन वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज जी नूं कहा भी आपां लुकन मिची दा खेड खेडना है। पहला असीं लुकांगे, तुसीं सानूं लभणा करो, बाद विच तुसीं लुक जायो, असीं तुहानूं लभ लवांगे। जदों इस तरह का खेड शुरू होया तो सतसंगत जी ये वड्डे वड्डे सिद्ध कोई मक्खी बन करके किते जा करके फुलां विच जा करके बह गया, कोई सतसंगत जी भूत प्रेत बन के अलोप हो गया, कोई सतसंगत जी अणु बन के छोटा जा कण बन करके मिट्टी दे विच रल गया, कोई पानी विच वह तुरिया बूंद बन के, कोई हवा का कण बन करके आकाश विच उड़ गया। इस तरह दियां जदों शक्तियां विखाइयां इन्हां सिद्धां ने गुरु नानक देव जी महाराज जी ने अपनी खड़ाऊं कढ़ी है। जदों खड़ाऊं नूं कढ़िया सतगुरु महाराज जी ने हुक्म किया ये खड़ाऊं ने सतसंग जी जिथे किते भी कोई सिद्ध लुक करके बैठा सी उहदे सिर ते खड़ाऊं वजे। जदों जोर जोर दियां खड़ावां सिरां ते वजण लग पईआं
ਇਹ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੱਡ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੱਖੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਫੁੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਬਣ ਕੇ ਆਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਬਣ ਕੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕਣ ਬਣ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੂਖਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚਮਤਕਾਰੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਖੜਾਓਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾਓਂ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੱਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਜੋ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਬਣ ਕਰਕੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਖੜਾਓਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਵੱਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਆਏ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲੁਕਣ ਦੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੁਕੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਲੱਭ ਸਕੇ, ਤਾਂ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵਲੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਭੰਗਰਨਾਥ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਜੋਗੀ ਆਦਿਕ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਰ ਹੰਭ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 5 ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਕਾਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਏਕੰਕਾਰ ਕੇ ਆਕਾਰ, ਉਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਉਸ ਆਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿੰਨੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਖੰਡਾ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਨ ਸਭ ਸਹਿ ਸਾਰ ਉਪਾਇਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਿਸਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ, ਸਿੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ, ਸਿਰਜੇ ਦਾਨੋ ਦੇਵ ਦੇ ਤਿਨ ਅੰਦਰ ਬਾਦ ਰਚਾਇਆ, ਤੈਹੀ ਦੁਰਗਾ ਸਾਜ ਕੇ ਦੈਤਾ ਦਾ ਨਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਰਾਮ ਲੈ ਨਾਲ ਬਾਣਾ ਦਹਿ ਸਿਰਕਾਇਆ, ਤੈਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੰਸ ਕੇਸੀ ਪਕੜ ਗਿਰਾਇਆ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਨ ਦੇਵ ਤੇ ਕਈ ਯੁਗ ਤਿਨੀ ਤਨ ਤਾਇਆ, ਕਿਨੀ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਦੁਰਗਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰ ਹਨ। ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਬ ਏਕ ਏਕ ਟੇਕ ਠਹਿਰਾਏ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਬਿਬ ਏਕ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਕ ਟੇਕ ਠਹਿਰਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਟੇਕ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਧਿਆਨ, ਜਿੰਨਾ ਨੌਲੇਜ, ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ, ਧਰਮ, ਅਧਰਮ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਨੇਰਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਨਮੋ ਅੰਧਕਾਰੇ
हे हनेरे रूप परमात्मा तेरे ताई मेरी नमस्कार है। इस करके जिथे परमात्मा प्रकाश रूप है उथे हनेरा भी अकाल पुरख वाहेगुरु का ही रूप है। इथे सात संगत जी 110 कवितां दी विचार जिहड़ी है वह संपूर्ण हुई है, समा भी समाप्त होया है। गुरु महाराज कृपा करन ए अगम्मी ज्ञान सतगुरु महाराज जी साढ़े हिरदे विच वसाउण, आत्म विश्याणी बुद्धि बख्शन, जिदे करके ये साध संगत जी सहजता दे नाल ए ज्ञान सानू प्राप्त होवे, साडा लोक ते परलोक सवेरे सवर जावे। इत्थे ही साध संगत जी पुल्लां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।